स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का मौका खो देंगे। इस वीडियो में हम आपको बुद्धिमान लोगों की आदतें, लक्षण और विशेषताएं बता रहे हैं। यदि आप में भी ये लक्षण या आदत हैं, तो खुद को पागल मत समझे, क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट लोगों में से हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ये संकेत हैं, तो आप एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हैं, क्योंकि यहां हम केवल वो आदतें बता रहे हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से 5 या 6 हैबिट्स हैं तो आप अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं। आपने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं। दरअसल हमारा भाग्य हम पर निर्भर करता है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य भी तभी अच्छा होता है जब हम में अच्छा करने का हुनर होता है। हमारी आदतों और प्रयासों से हमारा नसीब तय होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की हो, और एक आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, इन दोनों में से कौन सा आदमी ज्यादा बुद्धिमान है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाला आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आजकल एजुकेटेड व्यक्ति को ज्यादा होशियार माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहां तक कि अगर आप कुछ लोगों की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी है जिन्हें अपने स्कूल से निकाला जा चुका है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, या आप पढ़ाई में कमजोर है और आपको लगता है कि आप बुद्धिमान नहीं है, तो यह पोस्ट खासकर आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको इंटेलिजेंट पीपल की हैबिट्स बता रहे हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं, या फिर कितने। साथ ही आप बुद्धिमान और सामान्य व्यक्ति में फर्क भी जान जाओगे। पहला, वे हमेशा सीखते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नई इंफॉर्मेशन या नई चीज दिमाग को देता रहता है। बुद्धिमान व्यक्तिगत वित्त की बेसिक बातों को सीखते हैं, जिसमें बजट, रिटायरमेंट अकाउंट, कर्ज और जीवन बीमा के बारे में जानकारी शामिल होती है। पैसा आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है, और बुद्धिमान लोग इसकी वैल्यू अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको भी पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए। बुद्धिमान लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। वे काम सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आप को उसमें बेहतर बनाने के लिए करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति बातों को ध्यान से सुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नॉलेज और स्किल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, और इसे बढ़ाने के लिए वे किताब पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से विचार करते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि किताब पढ़कर आप अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। आज हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ आता है। वॉरेन बुफेट आज भी 500 से 600 पेज हर रोज पढ़ाते हैं। एलोन मस्क ने किताब पढ़ पढ़कर रॉकेट साइंस सीख लिया। बिल गेट्स 700 पेज रोजाना पढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार किसी किताब को पढ़ने के बाद भूलते नहीं थे, और इसी आदत के कारण ये लोग महानता की श्रेणी में आए। किताबें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहे और नया सीखते रहे। दूसरा, बोलने से पहले सोचना। आपके जीवन में कोई परेशानी खड़ी डीढ़ी ना हो, इससे बचने के लिए बोलने से पहले सोचना वास्तव में एक अच्छी आदत है, और साथ ही यह आदत आपकी बुद्धिमत्ता को भी दिखाती है। बोलने से पहले सोचना का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा बहुत सोच सोच कर बोले, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप कहां खड़ी डे हैं और किससे बात कर रहे हैं। चाहे आपके रिश्ते हो, आपका करियर हो या कुछ और, आपके द्वारा बोले गए शब्द बहुत कुछ तय करते हैं। आपके शब्द और आपका व्यवहार आपकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। इससे पहले कि आप कुछ बोले, अपने शब्दों की जांच जरूर कर ले। आपके शब्द सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप कोई ऐसी बात ना बोले जिससे किसी को बुरा लगे या उसे दुख पहुंचे। ये आदत आपके बुद्धिमान होने का एक लक्षण है। तीसरा, खुले विचारों वाले लोग। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनाओं के बिना हर दृष्टिकोण को समझता है। वह हमेशा एक विचार के पत्र में नहीं होता है, बल्कि स्थिति के हर पहलू को देखकर अपने विचार पेश करता है। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग में नए विचारों को भरता है, जिससे उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति खुले विचारों के होते हैं। वे कभी बहस नहीं करते हैं, बल्कि वास्तविकता आधार मानकर बातचीत करते हैं। खुला दिमाग नई चीजों को आजमाने या नए विचारों को सुनने की इच्छा रखता है। खुले विचारों वाला व्यक्ति वह होता है जो दुख और सुख दोनों तरह की परिस्थितियों को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से साझा करता है। वह अपने मन के अंदर कोई बात नहीं रखता है और हर विषय पर अपने विचार रखता है।
खुले विचारों वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है और माहौल में घुल मिल जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही महान कहलाता है, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए आपको खुले विचारों का होना जरूरी है। चौथा, खुद से बातें करना। अगर आप हमेशा खुद से ही बातें करते रहते हो तो यह आपको बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में रखता है। जब हम खुद से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद को अच्छे से समझते हैं। हमें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। खुद से बात करके हम अपनी समस्याओं को अच्छे से सुलझा सकते हैं। हम अपने पैशन को जान सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सके थे, और खुद के लिए हम एक मोटिवेशन बन सकते हैं। जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारा दिमाग अधिक तेजी से काम करता है और चीजों को वास्तविक तरीकों से देखता है। जीनियस या बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुद से बातें करते हैं। पांचवा, अधिक जिज्ञासु होना। अगर आपकी जिज्ञासा नई नई चीजों को जानने में है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। जो लोग अधिक जिज्ञासु होते हैं उनका दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। ऐसे लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन यह उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक शोध के परिणामों के अनुसार ज्यादा बुद्धिमान लोग अक्सर चीजों से भूल जाया करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छी जानकारी या नई रिसर्च को जानने के प्रति जिज्ञासु होता है। हर इंसान में चीजों को जानने के प्रति जिज्ञासा होती है, लेकिन जो लोग इस जिज्ञासा को बढ़ाते हैं वही असल में बुद्धिमान होते हैं। छठा, किताबें पढ़ना और अकेले रहना। जो लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं वे ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी थिंकिंग और माइंडसेट अन्य लोगों से काफी अलग होते हैं। उनके विचार भी कई हद तक लोगों से नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ज्यादा शोर शराबा भी उन्हें पसंद नहीं होता है और वे शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोगों के दोस्त भी ज्यादा नहीं होते हैं। ये किताबों को ही अपना दोस्त समझते हैं और अपने अपने दिल की बातों को डायरी में उतार देते हैं। ये हमेशा कोई ना कोई नई किताब पढ़ते हैं। इनका मानना है कि किताबें पढ़ने से आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही आपकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। हर जीनियस व्यक्ति किताब पढ़ता है और यह बुद्धिमान होने का एक लक्षण भी है। सातवां, अपने पैशन फॉलो करना। आपका पैशन आपको जिंदगी की असली खुशी दे सकता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैशन को जाने बिना ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और अपनी पूरी जिंदगी में वे परेशान ही रहते हैं। वहीं जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसे प्रोफेशन में बदलते हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। बुद्धिमान लोगों का कहना है कि जिस काम में आपका मन लगता आप बेहतर तरीके हो करते हैं और उसमें आपके आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे काम से आपको खुशी मिलती है और आपका जीवन अधिक आनंदमय होता है। इसलिए जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए आपको अपने पैशन को जानना चाहिए। आठवां, न्याय करने की क्षमता। एक बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी फैसला लेने से पहले स्थिति के तथ्यों को समझने की कोशिश करता है। वह खुले विचारों वाला, पक्षपात रहित आधार पर चीजों का मूल्यांकन करता है और अपना विचार बदलने के लिए तैयार रहता है। वह कोई फैसला सुनाने या न्याय करने से पहले दो पक्षों की बात सुनता है और उसके बाद अपने विचार रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति में न्याय करने की क्षमता होती है। नौवा, धैर्य और संवेदनशील। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको ज्यादातर समय दूसरों के साथ धैर्य रखना चाहिए, लेकिन खुद के प्रति हमेशा अधीर, इंपेशेंस रहे। आपको हमेशा दूसरों से कहीं ज्यादा खुद से अपेक्षा करनी है और खुद पर आत्मविश्वास रखना है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक संवेदनशील भी होते हैं। वे अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं। उनका व्यवहार भी अन्य लोगों के साथ अच्छा होता है। दसवां, कल्पना शक्ति। प्रतिभाशाली व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें दूसरों की तुलना में कैसे सोचना चाहिए, चीजों को अलग दृष्टिकोण से कैसे देखना है। वे पहले संभावनाओं की कल्पना करते हैं, उसके बाद उसकी योजना बनाकर काम करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं और उन्हें अच्छे से निभाना भी जानते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर आविष्कार कल्पना के कारण ही संभव हो पाए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति आइडिया पर भरोसा करते हैं, इसलिए जो आप कर सकते हैं उसकी कल्पना करें और प्लान बनाकर ही उस काम को करें। कई रिसर्च और स्टडीज में पाया गया है कि अधिकतर बुद्धिमान व्यक्तियों में ये लक्षण पाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेजी से काम करें और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह दिखे, तो इस वीडियो में बताए गए तरीकों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें।